हाउस टैक्स की अदायगी के लिए नगर परिषद ने लोगों को बिल बांटना शुरू कर दिए हैं। नगर परिषद ने वार्ड नंबर 1 से 7 में 50 बिल भेजे हैं। वहीं नगर परिषद हमीरपुर 31 मार्च से पहले अपना सालाना हाउस टैक्स जमा करवाने वालों को 10% की छूट भी दे रहा है। नगर परिषद के ईओ विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी से गृह कर के बिल वार्डों में भेजे जा रहे हैं, जिसके तहत जो व्यक्ति भी वार्षिक कर तय सीमा के भीतर जमा करवाएगा उसे इस छूट का फायदा मिलेगा। इसके अलावा पुराने पेंडिंग हाउस टैक्स पर भी किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। सॉफ्ट रेंट एक साथ जमा करवाने वालों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ईओ ने बताया कि नगर परिषद के खजाने में सालाना 1 करोड़ रुपए के करीब हाउस टैक्स जमा होता है। ऐसे में नगर परिषद की 10% छूट का शहरवासियों को काफी लाभ मिलने वाला है। मौजूदा समय की बात करें तो शहर में करीब 35 से 40 लाख रुपए का हाउस टैक्स पेंडिंग पड़ा हुआ है। ईओ विनोद कुमार ने बताया कि कुछ लोग जो सालों से हाउस टैक्स पर कुंडली मारकर बैठे थे, वो कई बार नोटिस देने के बाद भी नगर परिषद कार्यालय नहीं आते थे। ऐसे में से कुछ लोगों ने इस बार अपना हाउस टैक्स तो जमा करवा दिया है, लेकिन अभी भी कई लोगों से लाखों का टैक्स वसूला जाना बाकी है। ईओ विनोद कुमार ने बताया कि विभाग की लिस्ट में शहर में से 20 से 25 बड़े डिफाल्टर ऐसे हैं जिन्होंने अरसे से हाउस टैक्स नहीं दिया है। ऐसे में इनकी देनदारी 1 लाख से 3 लाख तक पहुंच गई है। इसके अलावा 40 से 45 लोग सूची में ऐसे हैं जिन्होंने नगर परिषद को 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का टैक्स देना है। बस 2017-18 का जो गृह कर के बिल जो है नगर परिषद ने 1 जनवरी से भेजना शुरू कर दिए हैं, तो अब जो है लोगों को हमने 31 मार्च तक का जो समय दिया है, 31 मार्च तक जो भी लोग गृह कर को समय से अदा करेंगे उनको 10% जो है रिबेट के रूप में जो है कटौती की जाएगी और गृह कर वो अदा कर पाएंगे। इन भी लोगों को हम अभी बिलिंग कर रहे हैं, बिल भेज रहे हैं हर वार्ड में, तो वो पहले तो ये सुनिश्चित करेंगे सभी लोग कि 31 मार्च से पहले पहले वो अपनी गृह कर की अदायगी करें। अगर बाई चांस कोई आदमी या कोई डिफाल्टर या कोई जो अपने इसकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे समय रहते हुए, तो उनको फिर 10% का रिबेट भी नहीं मिलेगा और उनके खिलाफ जो है बाद में फिर नोटिस वगैरह देकर उनको हाउस टैक्स की अदायगी के बारे में उनको कहा जाएगा।